रहे हैं, जिसमें प्रेम प्रसंग को लेके मैं अभी आपसे एक बात करना चाहूंगी कि भाई लड़का लड़की से मोहब्बत के और इश्क के वादे करता है और फिर शादी की बात तक पहुंच नहीं पाती और वो लड़की की भी जिंदगी खराब हो रही है। तो ये आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इसके बारे में भी आप जान रहे हैं कि जितना भी साइबर की तरफ से हम लोग जा रहे हैं तो उतना पुलिस ने भी किस तरीके की कड़ाई बरती है कि भाई इस तरीके की जो वारदात है वो कम हो, और लड़कियों का दिमाग वॉश होना या लड़कों का दिमाग वॉश होने के लिए आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? सर, अभी बचत गढ़ के बारे में भी आपने सुना होगा, बहुत सारे ऐसी वारदात हो रही है कि गरीब लोगों को बचत गढ़ के नाम से बोला जाता है कि भाई आप 500 डाल दो, 1000 डाल दो, और फिर वो लेडीज़ की टीम ही गायब हो जा रही है। तो इस बारे में ऐसी कोई कंप्लेंट्स यहाँ पे अभी रिसेंटली रजिस्टर हुई है क्या सर? नहीं, हमारे पुलिस स्टेशन सदर में तो अभी तक ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, और अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो उसके ऊपर निश्चित हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब सबके साथ सच का प्रहार, देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। सदर पुलिस स्टेशन में, और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे साथ है सदर पुलिस स्टेशन के PI विनोद सर। आज हमारे चैनल के द्वारा सबसे पहले तो हम सर को शुभकामनाएं देंगे कि सर की शादी की सालगिरह थी जो कि 25वीं सालगिरह थी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल TNN 24 न्यूज़ चैनल में। सर, हम आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देंगे कि आपकी शादी को 25 साल हो गए। धन्यवाद मैडम। बस परिवार की जवाबदारी कम और अपने ड्यूटी का फर्ज ज़्यादा निभाते आए हैं जी, और इसी कशकश में हमारे शादी के 25 साल अपनी ड्यूटी निभाते निभाते हो गए हैं जी। तो सर, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई आप सरकार के तो लिए काम कर ही रहे हैं, हमारे लिए, प्रशासन के लिए काम कर ही रहे हैं, घर के होम मिनिस्टर के लिए कैसा काम हो रहा है फिर? बस मैडम, सवेरे घर से निकलते हम 9:30 बजे जी, और रात को तो कोई हमारा घर जाने का समय होता नहीं है जी। याद नहीं है कि मैं कभी रात को 10 के पहले कभी घर गया होगा जी। तो घर की सारी जिम्मेदारी जो है वो हमारे मैडम ही संभालते हैं जी। एक दिन हमें एक संडे का छुट्टी मिलती है, वो भी अगर कोई अगर बंदोबस्त रह गया तो वो भी कभी कभी मिस कर देते हैं जी। चलो ठीक है, हमारे मैडम जो है हमारी जवाबदारी का पूरा पार्ट मैडम संभालती है घर का जी, और हम अपने यहाँ ड्यूटी निभाते हैं जी। सर, मैं आपको ये जब पूछना चाह रही थी कि अभी सदर पुलिस स्टेशन की पूरी भागदौड़ संभालते संभालते पूरे 10 महीने हो चुके हैं, और इसके पहले आप अजनी पुलिस स्टेशन में थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्राइम रेट हमें कम दिख रहा है, तो किस तरीके से कड़ाई आपने बरती है ज़रा हम जानना चाह रहे थे। मैडम, बात सही है कि क्राइम रेट जो है आप सिर्फ सदर पुलिस स्टेशन का ही नहीं है, अपने पूरे नागपुर सिटी में ही अगर आप देखोगे तो जो मेजर जो एक सीरियस ऑफेंस होते थे उनका क्राइम रेट कम हुआ है, जिसकी पूरी जो इसका जो हम ये देंगे श्रेय देंगे वो हमारे माननीय पुलिस आयुक्त साहब का है। माननीय पुलिस आयुक्त साहब ने जो योजना ये लगाई है उसमें काफ़ी हम देख रहे हैं जिसका हमें असर दिखा है कि क्राइम रेट में कम आया है। जैसा कि हमने बीट सिस्टम को ज़्यादा ख्याल दिया है, हमने बीट पेट्रोलिंग चालू की है जी, जिसमें हमने स्टाफ को बीट में दे दिया है, और वो जो बीट का अधिकारी अमलदार जो है वो अपने बीट में ही बैठ रहे हैं, बीट में कंटिन्यू पेट्रोलिंग हो रही है, जो रिकॉर्ड के गुनहगार है उनको बारी बारी चेक किया जा रहा है, और एक छोटी सी भी अगर कोई घटना घटती है तो उसे हम लोग सीरियस मोड पर लेते हैं और उसके ऊपर में तुरंत प्रिवेंटिव एक्शन जैसी हम लोग कार्रवाई करते हैं, जिसका नतीजा हमें ये देखने मिल रहा है कि हमारे इधर जो क्राइम रेट है कि हमने बीट सिस्टम को ज़्यादा ख्याल दिया है, हमने बीट पेट्रोलिंग चालू की है जी, जिसमें हमने स्टाफ को बीट में दे दिया है, और वो जो बीट का अधिकारी अमलदार जो है वो अपने बीट में ही बैठ रहे हैं, बीट में कंटिन्यू पेट्रोलिंग हो रही है, जो रिकॉर्ड के गुनहगार है उनको बारी बारी चेक किया जा रहा है, और एक छोटी सी भी अगर कोई घटना घटती है तो उसे हम लोग सीरियस मोड पर लेते हैं और उसके ऊपर में तुरंत प्रिवेंटिव एक्शन जैसी हम लोग कार्रवाई करते हैं, जिसका नतीजा हमें ये देखने मिल रहा है कि हमारे इधर जो क्राइम रेट है जो सीरियस ऑफेंस होते थे उसमें अभी बहुत कमी आई है, और क्राइम रेट अभी आप हर साल की तुलना में देखो तो काफ़ी कम हुआ है। सर, महिलाओं को देखते हुए जैसे रात में अपनी पेट्रोलिंग टीम तो काम करती है, लेकिन अभी जिस तरीके से वारदात हो रहे हैं जिसमें प्रेम प्रसंग को लेके मैं अभी आपसे एक बात करना चाहूँगी कि भाई लड़का लड़की से मोहब्बत के और इश्क के वादे करता है और फिर शादी की बात तक पहुँच नहीं पाती और वो लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तो ये आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इसके बारे में भी आप जान रहे हैं कि जितना भी साइबर की तरफ से हम लोग जा रहे हैं तो उतना पुलिस ने भी किस तरीके की कड़ाई बरती है कि भाई इस तरीके की जो वारदात है वो कम हो, और लड़कियों का दिमाग वॉश होना या लड़कों का दिमाग वॉश होने के लिए आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? ये अभी हमने हाल ही में जो
हमारे वरिष्ठ अधिकारी के मार्फत हम एक पुलिस दीदी उपक्रम हम लोग ले रहे हैं, जिसमें हमारे पुलिस स्टेशन के जो महिला अधिकारी है वो हर जहाँ जहाँ लड़कियाँ है, स्कूल में है, कॉलेज में है, जहाँ उनका वस्ती गृह है, हॉस्टल है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे हर उम्र के लड़कियों को ये सब चीज़ें वो समझा रहे हैं और उनमें उनकी जन जागृति कर रहे हैं। साथ ही जो हमारी बीट पेट्रोलिंग होती है उसमें भी जो अधिकारी महिला हमारे अमलदार रहते हैं, बस्ती में भी जा जाके जहाँ पे हमें कोई लड़कियों का ग्रुप दिखता है उन्हें भी ये सब चीज़ की हम लोग जानकारी दे रहे हैं। वैसे लड़कों में भी हम लोग अनेक क्या क्या कानून है, बहुत सी बार ऐसा घटनाएं घटती है कि लड़कों को कानून के बारे में जानकारी नहीं रहती है और वो लोग ऐसी हरकतें कुछ गलत कर देते हैं और बाद में जब फिर ऑफेंस रजिस्टर होता है, उन पर कार्रवाई होती है, तब उनकी आंखें खुलती है। तो क्या इस चीज़ के लिए कानून बने हैं, कानून के क्या प्रावधान हैं, ये भी हम लोग उन्हें समझा रहे हैं। तो इस चीज़ में भी अभी काफ़ी लोगों में जन जागृति हमें दिख रही है जी। सर वैसे ही भरोसा सेल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि किस तरीके से कुछ केसेस आ रहे हैं जिसमें हमें सीपी साहब की तरफ से कोई जीआर हमें मिला था या हमने जो भरोसा सेल ओपन किया है तो उसमें कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कि लेडीज़ को कुछ काम कर सके हम उनके फेवर में। जैसे कि अभी हर पक्ष में महिलाओं की तरफ से पहली तकरार पुलिस स्टेशन में आती है, तो जो कुछ फैमिली मैटर रहते हैं, पति पत्नी का रहते हैं और भी फैमिली मैटर रहते हैं, तो हम लोग उनको भरोसा, तब उनकी आंखें खुलती है। तो क्या इस चीज़ के लिए कानून बने हैं, कानून के क्या प्रावधान हैं, ये भी हम लोग उन्हें समझा रहे हैं। तो इस चीज़ में भी अभी काफ़ी लोगों में जन जागृति हमें दिख रही है जी। सर वैसे ही भरोसा सेल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि किस तरीके से कुछ केसेस आ रहे हैं जिसमें हमें सीपी साहब की तरफ से कोई जीआर हमें मिला था या हमने जो भरोसा सेल ओपन किया है तो उसमें कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कि लेडीज़ को कुछ काम कर सके हम उनके फेवर में। जैसे कि अभी हर पक्ष में महिलाओं की तरफ से पहली तकरार पुलिस स्टेशन में आती है, तो जो कुछ फैमिली मैटर रहते हैं, पति पत्नी का रहते हैं और भी फैमिली मैटर रहते हैं, तो हम लोग उनको भरोसा सेल में भेजते हैं। भरोसा सेल के जो वहाँ पे कर्तव्य दक्ष अधिकारी है, वहाँ के जो अमलदार है, उस चीज़ में वो निपुण है और उन्हें अच्छे से गाइडेंस करते हैं। दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, तो हमें देखने मिलता है कि जब हम लोग 10 केसेस यहाँ से भरोसा सेल में भेजते हैं तो उसमें 9 में हमें सक्सेस मिल जाता है। एक आधा ही केस ऐसा होता है कि जिसमें समझौता या उनका सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, तो फिर वो पुलिस स्टेशन में आके वो फिर रिपोर्ट दे के हम लोग उसमें FIR दर्ज करते हैं। लेकिन हमें देख रहा है कि 90% में उनका वाला जो है कुछ गलत फहमी दिल की निकल जाती है जी। सर अभी बचतगढ़ के बारे में भी आपने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे वारदात हो रही है कि गरीब लोगों को बचतगढ़ के नाम से बोला जाता है कि भैया 500 डाल दो, 1000 डाल दो और फिर वो लेडीज़ की टीम ही गायब हो जा रही है। तो इस बारे में ऐसी कोई कंप्लेंट्स यहाँ पर अभी रिसेंटली रजिस्टर हुई है क्या सर? नहीं, हमारे पुलिस स्टेशन सदर में तो अभी तक ऐसी कोई घटना हुई नहीं है और अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो उसके ऊपर निश्चित हम लोग कार्रवाई करेंगे जी। तो PI सदर ने हमें क्लियरली बताया, विनोद चौधरी साहब ने, कि हर तरीके के प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिए जाएंगे। और रही लेडीज़ की सुरक्षा की बात, तो सर हमेशा यहाँ पे तैनात है, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। आपको बस आना है और अपनी बात को रखना है। जिस तरीके से जो भी कार्रवाई होगी, PI सदर ने हमें आश्वासन दिया है कि चाहे वो भरोसे सेल से रिलेटेड हो, चाहे वो अवेयरनेस फैलाने से रिलेटेड हो लॉ को लेके, चाहे वो लड़का या लड़की के पक्ष के बारे में बात नहीं कर रहे, वो दोनों के बारे में ये कह रहे हैं कि आप आइए, हम लोग आपके लिए यहाँ पे निष्पक्ष जाँच के लिए बैठे हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि पेट्रोलिंग टीम और सारी टीम्स आपके लिए खड़ी है और आपको जब भी ज़रूरत है ही इज़ देयर विथ अस, ताकि वो आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ बैठे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि आपको जब भी मेरी ज़रूरत है हम लोग आपके लिए खड़े हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपसे कहती हूँ कि TNN24 ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लतिका शामी के साथ में, कैमरामैन विवेक के साथ, आपका धन्यवाद।